इट्स नाउ और नेवर। अगर आपने वोट नहीं किया देन रियली व्हाट आर यू डूइंग बेवकूफ। बट इफ यू वोटेड तो आपका आइकॉन होगा पेप्सी माई कैन पर। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस हैव वांटेड टू हैक इनटू समबडीज इंटरनेट अकाउंट एट सम टाइम और द अदर। पर इसे फुल टाइम बिजनेस बनाया है अंकित फादिया ने। नाउ लेट्स गेट अ लो डाउन और शुड वी से अ डाउनलोड ऑन दिस साइबर गुरु। ओवरलोड सिस्टम, ओवरलोड ऑल सिस्टम्स रेडी। 3, 2, 1, 0। सितंबर 11 जो अटैक्स हुए थे उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने मेरे को कांटेक्ट किया था। उनके पास एक एनक्रिप्टेड मैसेज था जो जैसे कि जो उनके हिसाब से अलकायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने ये मैसेज भेजा था और उन्होंने मेरी हेल्प ली थी टू डीकोड दैट मैसेज। सो इन माय करियर दैट वाज द बिगेस्ट यू नो अचीवमेंट एज फार एज वर्किंग विद द गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड। दैट प्रीटी मच सेज इट ऑल। अंकित फादिया नहीं है योर रेगुलर 23-year-old। इन फैक्ट बहुत दूर है उससे। He is one of the most sought after cyber security gurus in India. 10 साल की उम्र में his parents got him a computer to play games on. But Ankit ke kuch aur hi plans the. He quickly figured out the loopholes of the internet and by the time he was 12, he had a website on hacking and by 14, usne ek best-selling kitab bhi likh di. Hacking into the website of a computer magazine got him his first job and by then he was all of 16. इनिशियली माई एज थोड़ी सी चैलेंज थी मेरे लिए डेफिनेटली, क्योंकि यू नो 14 ईयर ओल्ड का एक लड़का है फ्रॉम दिल्ली हु इज रिटन अ बुक ऑन कंप्यूटर हैकिंग। तो लॉट ऑफ पीपल वो सीरियसली नहीं लेते थे मेरे को, लेकिन आई थिंक आफ्टर अ वाइल जैसे इंडस्ट्री मैंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया तो आई थिंक द क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली इट केम। Ankit now has over 80 clients all over the world which includes big names like Wipro, Google, Reliance and so on. He helps individuals, corporates and even governments. Ankit's job profile ka technical description hai legal hacker. Uska kehna hai ki net security is key because of the times we live in. So jaise recently jo bomb blast hue the India mein different parts of mein, to usme ek emails bheje gaye the, ek internet security element tha. इसलिए सडनली नाउ मास मीडिया है या जो मासेज है इंडिया में सब लोग सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर लिया है उन्होंने। अंकित के और भी बहुत सपने हैं एंड नॉट एवरीथिंग हैज टू डू विद कंप्यूटर्स। सरप्राइज सरप्राइज, वो खोलना चाहते हैं एक रेस्टोरेंट और लिखना चाहते हैं एक फिल्म स्क्रिप्ट। बट बाय द वे थिंग्स आर गोइंग, हमें नहीं लगता कि अंकित को साइबर सिक्योरिटी से ज्यादा टाइम मिलेगा, एटलीस्ट नॉट एनी टाइम सून। अनदर 5 or 7 years ऑल ऑफ अस विल बी लिविंग इन डिजिटल होम्स। एंड डिजिटल होम में क्या होता है कि आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, आपका टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, अलार्म सिस्टम्स, एयर कंडीशनर, लाइटिंग, एवरीथिंग इंटरनेट के द्वारा इंटरकनेक्टेड रहेगा। तो एक ऐसा भी टाइम आएगा जिसमें कंप्यूटर हैकर आपके घर के वेबसाइट को हैक कर लेगा एंड वेबसाइट हैक करने के बाद ही कैन कंट्रोल ऑल द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन योर हाउस। तब बहुत ही स्कैरी हो जाएगा सिक्योरिटी एंड दैट्स द बिग प्रॉब्लम इन द फ्यूचर।